सभी भाई बहनों को, जितने भी YouTube फैमिली है, जो मेरे यार दोस्त हैं, सबको दिल से जय श्री कृष्णा, जय माता दी और प्रणाम। कोको लड़की देखो देख क्यों जा रही थी, कितना स्मार्ट है तू। देखो गाइस मेरे हाथ में क्या है, मैं इसे दिखाऊंगा। गोपी लो नहीं भाई, गोपी नहीं है ये बता क्या है, समझ रहे हो क्या है? बाद में बताऊंगा इसके बारे में, एक वीडियो बनाऊंगा ना बाद में, तब बताऊंगा क्या चीज थी। ठीक है, गाइस देखो अभी रात हो रही ना, अभी देखो दिन कर दूंगा मैं ऐसे करके, देन 1 2 3 जितनी बेकार की बातें करानी हो सब प्रथम से सीख, मैंने भी इससे सीखी है। तो प्रथम अब सीन ऐसे जो मैं कोल्ड हुआ है ना, सच बता दे, सच सच एकदम, एक ही बंदे किसकी वजह से हुआ? मिस्टर सागर स्टार ये स्टार आया था भाई हमारे घर पे कुछ टाइम पहले। देखो बच्चे देखो स्कूल से पढ़ के आ रहे हैं, इतने अच्छा लग रहा है ना, हम भी ऐसे आते थे कभी किसी टाइम पे। तो सागर जी आए थे भाई हमारे घर पे, दोनों भाइयों के बीच, तब तक हम बहुत बढ़िया थे, उससे पहले तगड़े ऐसा था, मतलब कि हम समझ रहे हो कैसे बताऊँ। तो उसके बाद जैसे ही वो आया, वो आके हमारे बीच पे लेटा, सोया बेचारा आराम से मजे में, लेफ्ट राइट उसने साले ने बताया नहीं कोल्ड हो रहा उसको, हमें भी नहीं पता लगा भाई, ध्यान ही नहीं दिया है? भाई लेफ्ट राइट क्या, लेफ्ट जाना हमने, लेफ्ट ले, हमें भी नहीं पता लगा भाई कि कोल्ड हो रहा उसको भाई। अगले दिन सुबह ना गले में दर्द, कोल्ड सर दर्द, फीवर ऐसा हो गया था हाल, क्यों इतना बुरा हाल, इतना बुरा हाल हो गया था ना भाई। दो दिन हो गए आज, देख रहे हो आवाज कैसी निकल रही है इसकी, मेरी अभी भी कोल्ड है, अभी भी कोल्ड है, सही कह रहा है भाई। तो बस ये इन्फेक्शन बहुत गंदा है एक्चुअली यार, चैनल वायरल रहा तो इसमें तुम क्या कर सकते हो, अरे उससे पहले ठीक थे। हेलो गाइस वेलकम टू अनदर व्लॉग, कैसे हो सब, उम्मीद करता हूं सब ठीक होगे भाई। तो भाई बहुत आज एक गुड न्यूज़ है सबके लिए, तुम्हारे लिए भी, मेरी यूट्यूब फैमिली जितने भी लोग देखते हैं प्यार देते हैं सबके लिए। हाँ जी आपकी तरफ से भी है कुछ? हाँ प्यार है थोड़ा सा है, बहुत ज़्यादा, वेरी गुड। तो भाई आज हम जा रहे हैं अपनी बाइक की बुकिंग कराने, कौन सी बाइक, कौन सा कलर, क्या क्या, ये सब डिटेल्स मैं आपको दूंगा बाद में, लेकिन अभी यही खुशी से हो रही है कि भाई भाई और हम अपने लिए दोनों के लिए बाइक लेने जा रहे हैं, और आज वैसे भी बहुत बड़ा दिन है, और आज जो आज वो है ना महालक्ष्मी जी का आज दिन है, आज है फ्राइडे और टाइम भी ऑलमोस्ट 2:37 हो चुके हैं, देख सकते हो आप, ऐसे देखो ऐसे दिख रहे ना तो घड़ी नहीं दिख रहा, टाइम दिख रहा था एक्चुअली। तो अब हम जा रहे हैं वहाँ पे बाइक बुकिंग के लिए अपनी, जाके देखते हैं क्या रिस्पॉन्स है, कब तक मिलेगी, डिलीवरी डेट क्या है, और एज यू ऑल नो हम तो भाई मिडिल क्लास बंदे क्या करते हैं, कैश तो खरीद नहीं सकते कुछ भी, बाइक खरीद लेते होंगे लेकिन हम नहीं खरीदते, हम खरीदते भाई ईएमआई पे। तो लोन वगैरह सब कुछ देखना है कैसे क्या कुछ होगा, मेहनत करते रहो आगे बढ़ते रहो धीरे धीरे करके, है ना भाई, बस ऐसे जुकाम वुकाम लगवाते रहो ऐसे लोग ऐसे दोस्तों से अपने जो तुम्हें जुकाम ट्रांसफ़र कर देते हैं, कोल्ड अपना सब कुछ दे देते हैं, और तो कुछ दे ही नहीं सकते, ठीक है, रोकने लग जाती है ऊपर से, वो तो भाई शुरू से आ जाता है, कोई चक्कर नहीं है उसका, इन्फॉर्मेशन देता हूँ अभी पहुँच के बाकी सारी, क्योंकि अब बना लिया है क्या करना है। तुमने मेरी लास्ट वीडियो भी देखी होगी, उस पर भी काफ़ी लोगों ने हेल्प भी करी और अपने अपने व्यूज़ भी दिए, लेकिन जो मेरा व्यू है पॉइंट ऑफ व्यू बहुत अलग है ना, तो उसके हिसाब से चलेंगे, सही है भाई, चलो अभी आगे चलते हैं थोड़ा सा पहुँच के बताते। तो भाई अपना यही है, अभी तो बाइक बुक करवाने जा रहे हैं, और बाइक बुक करवाने के बाद जो और डिटेलिंग वाली इन्फॉर्मेशन है, मतलब और भी इन्फॉर्मेशन होती है कुछ देने वाली, है ना भाई, होती है ना? Yes. वो देनी है, वो ज़रूरी होती है, ताकि तुम भी अगर कभी नई चीज़ कुछ लेने जा रहे हो तो इस पॉइंट्स का ध्यान रखना ज़रूरी होता है, वो मैं तुम्हें बताऊंगा, पहले एक बार मैं अपना काम करवा लूं। तो बस और पहुंचने वाला हूं 5-7 मिनट में, टाइम हो गया अभी अपना, कितना टाइम हो गया,
भाई पूरे 2:45 ठीक है। तो बस पहुंच के तुम्हें मैं अपडेट करता हूँ। तो गाइस अपने को जो पसंद आ रही बाइक वो मैं बता ही चुका था लास्ट टाइम भी, ये है होंडा CB 350 RS। यस, अब इसमें कलर वो नहीं बताओ, कलर डिलीवरी पे ठीक है। तो भाई बस सारी फॉर्मेलिटीज़ कर रहे हैं हम लोग, अभी साइन वगैरह हो गए इसके बाद बुकिंग अमाउंट देंगे और बुकिंग हो जाएगी डन। जल्दी से नीचे कमेंट में जाके कॉन्ग्रेचुलेशन लिखता है। ये मेन चीज़ नहीं बतानी होती, इसके नाम ले रिकॉर्ड कर लिया। यस यही तो मेन चीज है। कौन से बनाने? अभी ये सब रिक्वायरमेंट नहीं बट जो गाइस कॉफी भी पियेंगे, बुलेट कब ली? तो गाइस अब कॉफी टाइम हो गया हमारा, तब हम सारे कॉफी पी रहे हैं। सिस्टम है गाइस, हम ये सारी बाइक ले रहे हैं, मेन सरप्राइज तो आपके लिए था। सरप्राइज तो भी आएगा ये डिलीवरी के दिन। कलर कौन सा है और बाइक कौन सी? कलर जो इन चारों कलर जो है, नहीं जो ये पीछे आपको चार दिख रहे हैं इनमें से एक कलर है, अब आप ये डिसाइड करना। 350 RS ना हो तो गाइस सोचो इसको हम डोमिनर ले लें फिर सरप्राइज। डिलीवरी डेट कब हम मतलब देखते हैं कब तक आएगी, ये हमारे ऊपर है हम कब लेंगे उसको, क्योंकि बाइक अवेलेबल है मिल रही है यहाँ पे हमें, कब कैसे क्या करना है ये सब कुछ बताऊँगा मैं बाद में भाई से पूछ के, है ना भाई? क्योंकि फिर अब फिर जाना भी तो है, घूमने जाएंगे। बोला नहीं जा रहा यार, बहुत ज़्यादा अजीब सा हो रहा है। पहले तो मैं सोच रहा हूँ केमिस्ट पर आ गया ना दवाई ले, डॉक्टर से लें या केमिस्ट से लें? पहले खुद ही डॉक्टर हैं, केमिस्ट से ले लेंगे, केमिस्ट से ही लेते हैं दवाई और अपने आप को करते हैं ठीक। बाकी 1, 2, 3, 4, 5, 6 दिन जितने भी दिन लगते हैं हम लेंगे डिलीवरी बाइक की, लेके अपडेट देते हैं आपको। कोको कहाँ घूमने जा रहे हैं मेरे साथ? कोको कोको भी गाइस हमारे साथ घूमने जा रहे हैं अब कहीं पे, इसका भी मन करता है घूमने का। देखो मैं और कोको हैं बस, और कोई भी नहीं पीछे, है ना कोको? कोको हाँ जी, कोको कह रहे घुमाते नहीं हो आप, मेरे घुमा के लाओ। कोको देख तेरी सीट का वो बज रहा अलार्म है कोको। कोको लड़की तेरे को देख क्यों जा रही थी, कितना स्मार्ट है तू। गाइस जब हमें कहीं पे जाना होता है ना तो इसको इसकी नानी के घर छोड़ देते हैं हम, तो ये नानी घर चले जाते हैं, वहाँ जाके खुश होता है, और कहीं खुश नहीं रह पाता, या नानी घर या हमारे पास, और कहीं नहीं। सही है ना यार, जहाँ पे जिसका दिल लगता है उसको वहाँ रुकना चाहिए, मैं तो ये समझता हूँ। तो मेरे हिसाब से कोको का जहाँ दिल लगता है कोको। गाइस तो वापस आ चुके हैं घर पे अपने और थक चुके हैं, तबीयत भी थोड़ी डाउन है भाई। तो मैं अभी आपको मतलब इस वीडियो में आपने देखा हो, मैंने आपको बताया था कि 2-4 चीज़ें होती हैं जो आपको पॉइंट्स जो होते हैं मतलब देखने पड़ते हैं कुछ भी परचेज करने, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे वो आपकी बाइक हो, चाहे वो स्कूटी हो, कुछ भी हो, एनीथिंग यार, एनीथिंग मतलब जो भी आप गाड़ी जो चला सकते हो रोड पे, ठीक है। सबसे पहले भाई अपना देखो बजट, सबसे मेन चीज़ बजट। ऐसा ना हो आपका बजट है 50,000, 60,000, 70,000, 80,000, 2,00,000, 3,00,000 तो आप हायर देख रहे हो, वो मत कभी मत करना। ऐसा ना हो ना, देखो मेरे जैसा बंदा तो देखो मैं कभी नहीं करता, मैं वही चीज़ पे जाऊँगा जिसकी मैं EMI पे कर सकूँ, अगर मैं EMI पे ले रहा हूँ तो।
ई एम आई पे कर सकूँ, सबसे मेन चीज़ ये होती है, ठीक है भाई। सेकंड चीज़ आपकी ये है कि भाई अगर आपने चीज़ मान लो पसंद कर ली, ठीक है, बंदा है मार्केट में जाता है, मार्केट में घूम रहे हो, अगर आपने मार्केट में जाके देख ली एक चीज़ पसंद आ गई, तो उसके बारे में भाई रिसर्च करो, अलग वेंडर पे जाओ, अलग किसी आउटलेट पे जाओ, देखो उसको क्या है क्या नहीं है, यूट्यूब पे वीडियोस देखो, मिलती है यार, मेरे को ही मिली है, बहुत सारी चीज़ मैंने देखी है, तो कुछ पॉइंट्स वहाँ से आपको मिलते हैं जहाँ से आप अपना ये स्ट्रॉन्ग कर सकते हो कि आपको यही चीज़ चाहिए। बाई चांस सबसे जैसे मुझे पहले एक हिमालयन पसंद आई थी, लेकिन हिमालयन में मेरे को क्या था कि पहले पसंद आई लेकिन बाद में वीडियोज़ देखी तो मेरे को कुछ पॉइंट्स लगे कि वो मेरे मतलब की बाइक नहीं है, वो मतलब पूरी टूरिंग और एडवेंचर बाइक है, मतलब बाहर रहने वाली बाइक, यहाँ पे कहाँ चला पाएंगे, ठीक है, वो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, सबका अलग अलग होता है। तो ऐसे ही बोल रहा हूँ कि अगर कुछ भी लेने जाओ उसके बारे में रिसर्च जरूर करो कि आपके मतलब की है या नहीं। और थर्ड पॉइंट भाई, उस चीज़ की जो भी आप लेने जा रहे हो उसकी टेस्ट ड्राइव जरूर करो भाई, गाड़ी की, स्कूटी की, कुछ भी बाइक वगैरह जो भी लेने जा रहे हो उसकी टेस्ट ड्राइव जरूर करके देखो, आपसे आपके मतलब के अकॉर्डिंग वो है या नहीं है। अगर आपके अकॉर्डिंग है, आपसे चल रही है, आप कंफर्टेबल हो उस चीज़ के लिए, तो गो विद इट भाई, जाओ बुकिंग कराओ। और बुकिंग के टाइम पे आपको डाउन पेमेंट भी करनी पड़ती है कुछ। और भाई सबसे मेन चीज़, सबसे जो सही वाली चीज़ है वो है लोन। जो भी आप लोन ले रहे हो, जिस टाइम पे आप अपनी ईएमआई जिसमें कंफर्टेबल हो वो टाइमली पे कर सकते हो, तो वही लेना, क्योंकि भाई कई लोग फंस भी जाते हैं यार, बेचारे ले लेते हैं और बाद में ईएमआई पे नहीं कर पाते, तो बहुत परेशान होते हैं, बहुत चीज़ चक्कर में पड़ती है, हो चुका है तभी एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ भाई कि ये कभी मत करना। उठे हैं धीरे धीरे करके, भगवान लेके जाएगा ऊपर भी, तो देखते हैं भाई, आप सबकी दुआएँ चाहिए इन सब चीज़ों के लिए। और बस ये सब मेजर पॉइंट्स हैं, बाकी आपको भाई नॉलेज है, मैं किसे बता रहा हूँ, ये मेरा थॉट ऑफ माइंड था, मैंने आपको बताया और बस शेयर कर लिया आपसे, तो यही है। बाकी भाई लाइफ है ना, बहुत लोग मिलते हैं आपको नीचे गिराने के लिए, गिरना मत, यहाँ सोच लिया उठो, ये नहीं कह रहा मैं छलांग मार दूँ, स्टेप बाई स्टेप चलो, एक दिन ज़रूर पहुँच पाओगे जहाँ आपको जाना है, जो आपको चाहिए, ये मैं बोल रहा हूँ आपको, पक्की बात है। किसी पे भी मतलब ये मत करना, हाँ भाई वो मुझे ऐसा बोल रहा है, वो मुझे ऐसे बोल रही है, कुछ भी है, एक्सपेक्टेड एनीवन, मेरे को अभी तक किसी ने कुछ नहीं बोला, लेकिन होते हैं कहीं, ठीक है, तो मत करना, अपना सोचना, अपना करना, और जो अच्छा लगे भाई वो करो, किसी ने आपको कुछ देना नहीं, किसी ने आपसे कुछ लेना नहीं, ठीक है। कुछ चीज़ें होती हैं, हुई भी हैं, चल भी रही हैं, चलती रहेंगी भाई, लाइफ का रूल है ये, तो डजेंट मैटर, बस गो विद द फ्लो, जो चल रहा है अच्छे से करो, जो सोच लिया उसको ख़त्म करके ही वापस आओ, ख़त्म मतलब वापस क्या हो, मेरे मतलब कह रहे जो करने जा रहे हो करके ही आओ, जो सोच लिया वो सोच लिया, ठीक है, एक डिसीजन पे रहना चाहिए हमेशा, है ना, मतलब ऑब्वियसली हर चीज़ सोच समझ के, पर अगर डिसीजन ले लिया तो कर दो, डरने का नहीं। बाकी भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस मुझे भी कर दो और आप सबको भी कि बुकिंग हो गई है डन, और खुशी तो बहुत है कि भाई मज़ा आ रहा है, और डिलीवरी डेट जल्दी बताएंगे आपको, जिस दिन फाइनल हो जाएगा सब कुछ प्रोसेस मेरा, जब सब फाइनल हो जाएगा उस दिन मैं आपको डिलीवरी डेट बता दूंगा, किस दिन लेने जा रहा हूँ, और उसके बाद देखते हैं क्या होता है। अगर आपको मेरी वीडियो ये अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कॉमेंट ज़रूर कर देना, बाकी कुछ सजेशन अगर आपने भी मुझे देने हो तो प्लीज़ जब मर्ज़ी एनी टाइम। मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में इसी के साथ, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू, बाय, गुड नाइट।